नमस्कार कथा उठी जे कोणार्क मंदिर तैयारी हला बेले को भाषा रे कथाबार्ता करथले एवं सेथिरे इंजीनियरिंग थिला कि नाही एवं सेथिरे श्रम साक्षेप किछि कार्य होउथिला कि नाही एवं सेथिरे हमरो उड़िया भाषा रे व्यवहार होउथिला कि नाही हमरो आज जो विषय वस्तु दिया जाय छि ओटीवी तरफ रु इंग्राजी रे दिया जाय छि जे उड़िया लैंग्वेज बियंड लिटरेचर कथा होची जे एक कथा केही अस्वीकार करिवेनी जे जेकोणसी भाषा रे आउ विशेष करी आम ओडिया भाषा रे आम भाषा जेते बड़ आउ विस्तृत आउ विस्तीर्ण ता तुलना रे आमर साहित्य एते बड़ नुहे विशेष करी आमर आधुनिक साहित्य तार संकीर्णता आमे समस्ते जानी परिचु एवं अनुभव भी करी परिचु आमर प्राचीन साहित्य मध्ययुगीय साहित्य विपुल परिमाण रही ताफल आम भाषार अस्मिता से किंतु जड़े साहित्य जड़े शिक्षित तो लोकर अधिकारभुक्त हो पाए कारण से पढ़ी पार से साहित्य को अनुभव कर किंतु जड़े अशिक्षित तो लोक जी साहित्य पढ़ी पार्बन कारण से तार आयत्त भितर नाही तार कौन भाषार अधिकार नाही भाषा कहिबार अधिकार नाही ताले से को भाषार कथाबार्ता करि आमे देखुचु जे आमर ग्रामांचल रे जो अशिक्षित तो लोक माने बा असंस्कृत कहि हेबनी किंतु जो मानकर पाठ बा शिक्षार भाग कम से माने जो भाषा व्यवहार करती से भाषा होउची आमर भाषा आउ आम साहित्यर अंतुड़ीशाल कहिले ताकू से कथाटा भिन्न हेबनी कारण से ही भाषा उपर भित्ति करिकी आमर साहित्य तैयारी हुए से ही ग्रामीण भाषा होची आमर साहित्यर बीजमंत्र बा आम साहित्यर बा आम भाषार जो तैयारी सेटा से भाषा भितर ही आसिकी हुए जो जो थे गोटे सजल निष्पाप ग्राम्यता रही थे कौन सी गोटे जगार आम भाषा को बंगला भाषा सहित तो तुलना करी बहुत समालोचनार पात्र होती मुझे जे बंगला भाषार साहित्य को माने जहाँ को छपा साहित्य आम कह प्रिंटेड लिटरेचर ताकू जदि आम ओडिया भाषा सहित तो तुलना करवा ताले बंगला छापा साहित्य को आम जदि जड़े रमणीर घन कृष्ण विपुल कुंतला बोली कहिबा ताहले आम छपा ओडिया साहित्य आधुनिक साहित्य को आधुनिक साहित्यर तुलना चलती गोटे लंडित मस्तकर चुट्टी बा पिगटेल परी कहिबा ए विषय नहीं कि मु बहुत भर्त्सना शुणिली किंतु मु तथापि पचारे जे आमर ए संकीर्णता सत्वे आधुनिक साहित्यर आमे केमती एक शास्त्रीय भाषा हो पारु एवं शास्त्रीय भाषार मर्यादा पाईपरलु ए विषय मु डॉक्टर देवी प्रसन्न पटनायक को पचारी से मत दुईटी कथा कहले से कहले देख आमर भाषा हूँ प्रथमतः अति प्राचीन एवं ता छड़ा आमर भाषा अति समृद्ध ताले आमर आधुनिक साहित्यर संकीर्णता सत्वे समृद्धि कौटु आसला 2000 वर्ष तलर भाषा सारला दास अच्छा संस्कृत विमुक्त काव्य रचना ए सबुति आमर समृद्धि आसं आकु नहीं आम कौन करवा तार उत्तर रे से कहले जे शास्त्रीय भाषा हला फल आमर दुईटी काम करोटे है ए भाषा को आम ज्ञान भाषा करवा
ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାଷା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଉପାର୍ଜନର ଭାଷା, ଯାହାଫଳରେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବେ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଲା ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଉକ୍ତିରେ କହିଲେ। ଅତଏବ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଦ୍ଘାତ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ବିଷୟ ଆଉ ବିଚାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ।